अब आपको वीडियो दिखाएंगे यूपी के अलीगढ़ विधायक के साथ थाने में जो घटना घटी, उसके बाद सुनिए विधायक जी ने बाहर आकर मीडिया के सामने क्या बयान दिया है। जो सिंधु परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाश ने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके बाहर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ FIR हुई, ऐसा उन्होंने पैसा लेकर के उसके खिलाफ FIR कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसा उन्होंने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए कि हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम पर 3 दिन दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दिन दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसा, तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। जाहिर है अब इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो रही थी। विधायक जी ने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और पूरी घटना से अवगत कराया, साथ ही अलीगढ़ के सांसद को भी पूरी घटना से अवगत कराया गया और उसके बाद सड़क पर हंगामा होता है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। अब देखिए किस तरीके से BJP के बड़े नेता, विधायक और सांसद अधिकारियों को खरी खोटी कैसे सुना रहे हैं, ये देखिए। पुलिस अपराधी इस थाने में नहीं रहेगा, इतना भ्रष्टाचार हो रहा नीचे स्तर पे। कोई बात आ रही है सामने, बताओ सही है कि सामने भ्रष्टाचार कोई आ रही है? अभी कार्यकर्ता को उठाकर बंद किया और उससे टेम्पो वाले को यहाँ कर सकता, आपसे भी पूछे करने का उसको जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब देता रहेगा अगर बात है, लेकिन वो चाहे तो कर देगा। मुकदमा होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, अगर हमारे से बिना पूछे उसने मुकदमा कर दिया तो मुकदमा हम खत्म करा देंगे, वो ऐसा नहीं करेगा, दूसरा ऐसा करेगा। SBI साहब मुकदमा खत्म तो हम करा ही देंगे, यहाँ से नहीं करा देंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से करा देंगे, यहाँ पर इसकी चिंता न करें। लेकिन प्रश्न ये कि आखिर ये हुआ क्यों, क्यों इसमें बू आती है ना? यार उसका मसूर है, इस गोला थाने में रिकॉर्ड है उसका, पैसे बंधे हुए उसके महीने तारीख के पूरे गोड़ा में। हाँ पैसा है, मेरी बात मेरी बात होगी, इसकी बात हो गई, कप्तान साहब से बात हो गई, DM साहब से बात, अभी हमने सर्किट हाउस वहां जाके बात करेंगे। चलिए दरोगा चिपट के मारने के लिए, एक बहने देवेंद्र और एक खुद सैनी, तीनों चिपट गए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, आप 3-1.5 महीने से कार्यकर्ताओं की इतनी शिकायत जा रही है, कोई सुनने को हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, है? इतना भ्रष्टाचार हो रहा है नीचे स्तर पे। कोई बात आ रही है बताओ सही कि सामने भ्रष्टाचार की आ रही हो? अभी कार्यकर्ता को उठाकर बंद किया और उससे टेम्पो वाले को यहाँ पीछे 1,000 रूपए लिए और 1,000 रूपए वापस किए, उस बहुत पुराना कार्यकर्ता है, 1,000 रूपए वापस किए उसको थाने से। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल News Times 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।